हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋषभ अभिलाष। तो कैसे हैं आप लोग? पिछली बार जब मैं वीडियो बनाया था तब उसमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था ये वाला रेसिपी बनाने के लिए, पत्ता गोभी पकौड़ा विद सम चाइनीज फ्लेवर करके। चलिए तो फिर आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए विच मंचूरियन विद ओम स्टाइल। इसमें भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस गिने चुने इंग्रेडिएंट्स बना दिया हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। चलिए एक कैप्सिकम कट कर लेते हैं अच्छे से। उन्हें डायमंड शेप कर दीजिए। थोड़ा ग्रीन चिल्ली को मैं अच्छे से 1/2 कर लेता हूँ। चलो इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लेते हैं ग्रीन चिल्ली को। जिंजर को अच्छे से चॉप कर लीजिए फाइन चॉप। कैरेट को अच्छे से फाइन चॉप कर लो। गार्लिक को अच्छे से फाइन चॉप कर लीजिए। चलिए एक ऑनियन को अच्छे से फाइन चॉप कर लेते हैं। चलिए पहले कैबेज को अच्छे से फाइन चॉप कर लेते हैं। अब अच्छे से मैं इसको फाइन चॉप किया हूँ कैबेज को। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा सॉल्ट ऐड कर देता हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए कैसा कैबेज पूरा अपना पानी छोड़ दे रहा है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मसलिन क्लॉथ लिया, उसमें मैं कैबेज डाल दे रहा हूँ। अब इसका पूरा पानी अच्छे से निचोड़ देता हूँ। पूरा कैबेज का पूरा पानी निकाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा चॉप कैरेट डाल देता हूँ, ग्रीन चिली चॉप, जिंजर चॉप, गार्लिक चॉप, स्वाद अनुसार सॉल्ट। चलिए अब इसमें थोड़ा मैं कॉर्नफ्लावर डाल देता हूँ, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा मैदा डाल देता हूँ। चलो अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेता हूँ। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। चलिए मैं अच्छे से मंचूरियन बॉल्स बना लेता हूँ। अब चाहे तो कौन सा भी शेप दे सकते हो। चलिए देखिए ऐसा बनना चाहिए। अब इसको मैं साइड कर देता हूँ। चलो अब इसको मैं फ्राई कर लेता हूँ। कलर देखिए कितना बढ़िया सा आ गया, अच्छे से बाइंडिंग भी सही से हो गया। चलिए पहले गैस ऑन कर लेता हूँ मैं। अभी कढ़ाई रख देता हूँ फ्राई करने के लिए, ऑयल दे देता हूँ। चलिए मंचूरियन को धीमी आंच पे इसको फ्राई कर लेते हैं। चलो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं हम। अगर आप बहुत अच्छे तरह से नहीं बनाएगा तो ये इसी में फट जाता है, तो आप मेक श्योर आप जब भी मंचूरियन बॉल्स बनाओगे अच्छे से बाइंडिंग कीजिए उसको। चलो इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, अब इसको मैं साइड कर लेता हूँ। मैं एक फ्राई पैन लिया हूँ, इसमें 2 बड़े चम्मच में ऑयल लिया हूँ। चलिए ऑयल अच्छे से हीट हो रहा है, गार्लिक ऐड कर देता हूँ। इसको अच्छे से भून लीजिए। चॉप जिंजर, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसका फ्राई कीजिए। चॉप ग्रीन चिल्ली, डाइस ग्रीन चिल्ली, ये देखिए कितना बढ़िया सा फ्लेवर आना शुरू हो गया है गार्लिक का। अब जब भी बनाते समय ना गार्लिक थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, ताकि गार्लिक का स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगता है। ऑनियन चॉप, ये देखिए मैं शिमला मिर्च डाल दे रहा हूँ।
आप चाहिए तो रेड बेल पेपर भी डाल सकते हैं, मगर मैं ग्रीन बेल पेपर डाल दिया। अब इसको अच्छे से सॉस कर लेता हूँ। थोड़ा सा कैबेज, हल्का सा कैरेट, टोमेटो केचप एक बड़ा चम्मच, और ये रेड चिल्ली सॉस एक छोटा चम्मच, हल्का सा विनेगर और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल देता हूँ। अब इसमें हल्का सा शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, ऐसा सॉल्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। रेडी है अपना सॉस। चलिए, अपना सॉस तो रेडी है। अब इसमें मैं मंचूरियन बॉल्स ऐड कर देता हूँ। रेडी है अपना वेज मंचूरियन। ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। चलो मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। वाओ, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। सॉस का फ्लेवर जबरदस्त है और मंचूरियन भी अच्छे से क्रिस्पीनेस फ्राई हुआ है। तो आप भी जरूर बनाइए ये वाला रेसिपी। आप भी ऐसा हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिश चाहिए। तो बस फटाफट आप कमेंट कीजिए आपके लिए कौन सा डिश मैं आपके लिए लेके आऊँ अगले वीडियो में। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ अगले वीडियो में उस जगह का मैं ऑथेंटिक डिश आपके लिए लेके आऊँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।